बड़ी खबर मिल रही है हरियाणा में आप कांग्रेस गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस से गठबंधन को लेकर आप में विरोध की खबर सामने आ रही है। आप विधायक सोमनाथ भारती ने कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं। सोमनाथ भारती ने गठबंधन को स्वार्थी बेमेल बताया। कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी का मदद करने का आरोप लगा दिया। लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस ने आपके लिए प्रचार नहीं किया। तो देखिए, पुराना दर्द भी छलका है और नए आरोप भी लगाए गए हैं। और बातचीत चल रही थी गठबंधन की हरियाणा विधानसभा चुनाव में, लेकिन फिलहाल गठबंधन से जुड़ी जो ताजा अपडेट है वो आपके सामने रखें। आप विधायक हैं सोमनाथ भारती, उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। कहते हैं गठबंधन स्वार्थी बेमेल, कांग्रेस नेताओं पर बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा दिया। और तो और कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आपके लिए कोई प्रचार नहीं किया गया। और ये वो ट्वीट, लंबा चौड़ा ट्वीट है अच्छे खासे कंटेंट के साथ, जहां पर वो कहते हैं कि ये गठबंधन किस तरीके से बेमेल है। आपको बताया कि लगातार बातचीत चल रही थी सीटों को लेकर के, सीटों की संख्या को लेकर बातचीत नहीं बन पा रही थी। दीपक रावत से बाकी की डिटेल लेते हैं। दीपक, अब लगता है कि गठबंधन की स्थिति बनने से रही, सीटों पर बात नहीं बन पा रही है क्या, और किस तरीके की अपडेट? अभी तक जो गठबंधन की बातचीत है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आलाकमान नेताओं के बीच में चल रही है, लेकिन जो दूसरे दर्जे के नेता हैं वो लगातार इस तरीके के बयान दे रहे हैं कि गठबंधन नहीं होना चाहिए, चाहे कांग्रेस की तरफ से हो चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, लोकसभा का टिकट भी दिया था, नई दिल्ली से चुनाव भी लड़े थे। उस दौरान भी उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी कि कांग्रेस कोई बड़ा नेता उनके लिए प्रचार करने नहीं उतरा है, जबकि अरविंद केजरीवाल खुद बाकी कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए प्रचार कर रहे हैं। तो वही नाराजगी एक बार फिर से जाहिर की है और सीधे तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके के हालात दिल्ली में लोकसभा चुनाव के वक्त रहे हैं, वैसे ही हालात दिल्ली में आने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होंगे तब भी होंगे। तो हरियाणा में क्यों गठबंधन करना है, वहां पर पार्टी अकेले लड़ने में सक्षम है तो वहां पर पार्टी को अकेले लड़ना चाहिए। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन हो और बिना गठबंधन के ही पार्टी जो है आगे बढ़ती है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि इस पर कांग्रेस की तरफ से कब फैसला लिया जाता है, क्योंकि बातचीत और बातचीत के बाद इस तरीके के प्रेशर वाले बयानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब ये कहां तक जाएगा, इस पर क्लैरिटी बाकी है। दीपक, नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।